वापस का स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप देखना जारी कर चुके हैं लड़के ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ अपने जो डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट होता है उसको खेलने। क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं और इसको सद्भावना कप बोलते हैं। तो पहला मैच जो है ये पहली बॉल है, कोई रन नहीं, ये पहली बॉल रन का प्रयास था। ये जो कोई रन नहीं है, कोई रन नहीं है। पहले जो पहला मैच है लखनऊ वॉरियर्स वर्सेस आरजेपीएम के बीच में, और इनकी पहली बॉल पड़ी जो की दौड़ गई। बॉलिंग में है सौरभ, बॉलिंग में सौरभ और कुलदीप था। ड्राइव बॉल दी है, अच्छा प्रयास है घुमाने का। कुलदीप ने काफी बढ़िया प्लेयर है यहाँ पे, और ये हमारी यूपी पोस्टल टीम से भी खेलते हैं। अपनी टीम के फिर से तैयार सौरभ, ये बॉल शॉट है और ये पहला ऊपर से फिर लैंडिंग कर गया और बाउंड्री की तरफ जाते ही बॉल काफी बढ़िया। दो रन का इजाफा टीम को। ये डे नाइट मैच है, काफी बड़ा ग्राउंड है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास ही ग्राउंड हम। और एक सुबह जो की और ये काफी अच्छी बॉलिंग कराते हुए, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ तालमेल जो है गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि दोबारा ये रन आउट होते बचे। और ये पहले ओवर की चौथी बॉल और ये फुल टॉस बॉल अलग अलग ये पहले ओवर की समाप्ति है और दो रन दूसरा ओवर जो है हमारे स्टार बॉलर विजय त्रिपाठी कराते हुए, इनकी बॉलिंग काफी बढ़िया जाती है। और ये पहली बॉल विजय द्वारा कराई, काफी उमदा बॉल। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही शानदार प्लेयर है। और ये दूसरी बॉल और बहुत शॉट, उतना ही अच्छा शॉट, ये उतने ही अच्छे फील्डर वो अमित जी लगे हैं, काफी बढ़िया फील्डिंग करते हैं। और जो आउटसिंग है काफी तेज है, लेकिन धीमी हो चुकी है। और ये तीसरी बॉल बहुत सही है, इसी के साथ वाइड बॉल गई और ये कुछ बढ़िया। और आई थिंक और इसी के साथ ये बहुत शानदार खूबसूरत चार रन, ये पहला चौका इनिंग का। चार जाते जाते छह चली गई बॉल ऊपर, ये छक्का था। अगली बॉल, अगली बॉल डायरेक्ट बॉल बीट करते हुए पीछे, फुल टॉस बॉल बीट की। अगर फुल बल्ले पर आती तो काफी बढ़िया शॉट जाता। और ये हमारे कुछ टीम मेंबर्स न्यू हैदराबाद जायंट्स के हैं, ये लखनऊ वॉरियर्स के, और शाम कितनी पसीन हो रही है। ये अगली बॉल गई और ये इतना ही अच्छा, ये अमित द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग की, ये काफी शानदार प्लेयर है। ड्यू काफी पड़ चुकी है, ये देखिए पूरा जो पिच है पूरा ग्राउंड ही पूरा ड्यू से भर गया। वाह शानदार फील्डिंग, बहुत ही बड़ा विकेट, विकेट मैं कहूंगा कुलदीप का विकेट निकल दिया, क्योंकि ये काफी बढ़िया अच्छा प्लेयर है। और ये बीट होते हुए आरजेपुरम द्वारा पहला विकेट लिया गया, और कुलदीप काफी अच्छे बैट्समैन है पर बॉल बीट करते हुए आरजेपुरम द्वारा काफी शानदार ऑपरेशन करते हुए
पहला विकेट उन्होंने काफी सुंदर निकाला जो कि कुलदीप का था। अरे शानदार शॉट हमीद द्वारा, ये प्लेयर भी बड़ी बढ़िया है। और ये सिक्स का तीसरा रन हो गया, चार रन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये चौथा ओवर और ये काफी बेकार बॉल और थ्रो भाई की रन मिल गए, नो बॉल है, काफी बेकार बॉल पहली। और ये जो है अपने शराब पे है क्योंकि ड्यू बढ़ता ही जा रहा है और फील्ड जो है काफी खतरनाक है। और ये बहुत सही बहुत शानदार शॉट गया, चार रन हो गया। और विजय जी द्वारा फील्ड सेट करते हुए ये जो है त्रिपाठी आरजेपुरम के कप्तान है और ये फील्ड सेट करते हुए और देखते हैं ये बॉल ये बीट करते हैं या इस बॉल को ये बाउंड्री उसके बाहर करते हैं। और ये बहुत शानदार, इस चीज में तो ये माहिर है, सिंगल निकालने में बहुत अच्छे हैं। और इससे पहले विजय जी ने काफी अच्छी बॉल कराई थी जिसमें रॉकी मींस होल्ड हुए, बॉल को नहीं सहल पाया। वैसे भी ये बॉल बढ़िया कराते हैं, बॉलर बढ़िया हैं। अब आए हैं हमारे आकाश, ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं, बहुत सही करते हुए। इनका रनअप काफी छोटा है लेकिन बॉल काफी सटी जाती है, बहुत बढ़िया रन चुरा लिया है, एक काफी बढ़िया रनअप है इनका। और ये अब बॉलिंग कराने अभय आ गए हैं, ये भी काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और ये पहला ये बॉल बॉल अभी अभी वाला और ये वाइट बॉल नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा रन का दूसरा, चार रन मिसफील्ड हो गया। कवर ड्राइव का भी अच्छा मारा है आकाश ने, उनकी कलाई में काफी अच्छा रन, बहुत खूबसूरत। और ये ओवर जो है काफी रोमांचक जाएगा क्योंकि आकाश जो है काफी कीपर द्वारा मिसफील्ड करते हुए मौका छूट गया, काफी खतरनाक प्लेयर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे कमेंटेटर जी। और स्ट्राइक पे अब अमित काफी बढ़िया बॉलिंग करा, फिर सॉरी बैटिंग करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सही काफी बढ़िया सिंगल और काफी रोमांचक मैच होता हुआ। ये आकाश जी द्वारा बॉल बीट हुई, काफी बढ़िया प्लेयर है लेकिन बॉल को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी चौथी बॉल खेल रहे हैं आकाश जी, इसी वजह से थोड़ा बॉल को समझेंगे, गेम को समझेंगे क्योंकि बहुत सही शॉट बढ़िया था पर फील्डर मौजूद। और जो फील्डिंग साइड है फील्डिंग थोड़ी सी लूज लग रही है कि ये बाइक रन काफी दे रहे हैं, फोर थ्रो की रन काफी दे रहे हैं। और देखिए ये जो बॉलिंग करा रहे हैं ओ बीट करते हुए, काफी बढ़िया बच गए, फिर मिसफील्ड। और काफी रोमांचक मैच ज्यादा हुआ
लखनऊ वॉरियर काफी संभल खेलते हुए, और ये वाइट आरजी पुरम जो है काफी मिसफील भी कर रहा है, और इनकी बॉलिंग जो है काफी निराशाजनक हो रही है। और पोस्ट जो काफी बढ़ रही है उसकी वजह से फील्डर्स को काफी दिक्कत हो रही है। काफी देखिए बाउंस है लीड होते हुए, काफी बढ़िया बॉल। और ये जो बैटिंग साइड है ये काफी बढ़िया, वाइड नहीं है, वाइड नहीं है, बहुत बढ़िया बॉल। और उतनी सुंदर फील्डिंग वापसी आते हुए मैच में, और ये बीट हुए आकाश वाइट की डिमांड करते हुए बैट्समैन, पर अंपायर द्वारा उनका डिसीजन नकार दिया गया है। और बहुत ही सुंदर बॉलिंग, बहुत सही, फिर बीट हुए ये हर बॉल को मारने की कोशिश करते हैं, पर बीट हो रहा है। और अब जो है शुभम जी जा रहे हैं बॉलिंग कराने, ये भी अच्छे बॉलर हैं। आप ये ब्रिंग के जाए शुभम जी हैं, वैसे बॉलर तो अच्छे हैं पर आज इनका दिन नहीं लग रहा है, और ये लगातार दो वाइड दे चुके हैं। ये हमारे बल्ला लगाना जरूरी नहीं है, आप वाइड से इतने रन मिल रहे हैं लखनऊ वॉरियर्स को, और उनके कीपर भी इतने ही लेजी, ये भी वाइड अब साइड चेंज किए बॉलर ने, देखते हैं कुछ फायदा मिलता है या नहीं। ये कुछ बहस करते हुए अंपायर से, और हटा दिया क्या, दो बीमर हो गई थी क्या? हाँ दो बीमर हो गई थी क्या, कैप्टन ने बॉलिंग चेंज करते हुए, चेंज तो नहीं करता, दो बीमर हो गए, हाँ कैप्टन ने आई थिंक राइट डिसीजन लिया है। रन काफी कम गए, सिंगल डबल से रन तो जाएंगे, वो तो सिंगल डबल ही वाली पिच है। अब ये सूरन बॉल करते हुए शुभम जी को बॉलिंग से हटा दिया गया है। ये सिंगल, ये भी वाइड, और ये भी वही चीज अपनाते हुए विजय द्वारा भी वाइड, हमारे दो हुए बॉल, कैप्टन द्वारा काफी आई थिंक डिसीजन इस पर अपने संतुष्ट नहीं होंगे। बॉल बढ़िया जा रही थी इनके द्वारा, और ये लीड होते हुए कुछ कंफ्यूजन, स्ट्राइक बने हैं दोनों फील्डर, अच्छा गैप निकाला बैट्समैन ने, कुछ समझ नहीं पाया फील्डर, क्योंकि बॉल जो है दिख नहीं रही है, हरी पिच भी है और हरी अपनी बॉल भी है। आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर है उनके द्वारा डिसीजन राइट नहीं लिया गया, यहाँ पे सफेद गेंद लेनी चाहिए थी, और आउटफील्ड काफी तेज है क्योंकि बॉल वहां से पड़ी और आउटफील्ड पे काफी तेज गई बॉल। मुझे तो लग रहा है कि लखनऊ वॉरियर ने एक्स्ट्रा ज्यादा रन बनाए हैं, और इनके खुद के रन तो बहुत ही कम है। ये बीट होते हुए और अच्छा रन चुराया, वाह बढ़िया, और ये काफी अच्छा रन निकाला विकेट, सॉरी सक्षम द्वारा काफी शानदार बॉलिंग करते हुए बीट कर रहे हैं बार बार, बहुत गंदा ये, और ये आउट, बहुत बढ़िया शिवम जी के द्वारा काफी अच्छा कैच पकड़ते हुए, वाह बहुत सही, बहुत सही, इतना अच्छा शॉट उतना ही अच्छा कैच,
बहुत बढ़िया वैसे बॉल तो दिख नहीं रही लेकिन शुभम जी ने काफी बढ़िया कैच पकड़ा और बॉल पे नजरे टिकाते हुए कैच काफी शानदार पकड़ा। और यहाँ पर ये पहली इनिंग समाप्त हुई और 101 रन बनाए हैं लखनऊ वॉरियर्स ने। हेलो देखते हैं आरजे पुरम कैसे इस स्कोर बीट कर पाता है। इनिंग की शुरुआत होते हुए जिसमें लखनऊ वॉरियर्स ने 101 रन का टारगेट दिया है आरजे पुरम को, देखते हैं ये किस तरह बीट करते हैं इस विशाल लक्ष्य को। तो पहली बॉल अदीप जी डालते हुए और जो ओपनिंग सक्षम है और ये पहली बॉल की इनकी पहली बॉल पूरा गेंदबाजी करते हैं। बहुत सही, बहुत शानदार शॉट, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा फील्डिंग। और ये अदीप जी द्वारा काफी बढ़िया बॉलिंग कराते हुए बैट्समैन को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, उतनी बॉल और उतना ही अच्छा डिफेंस। ये देखिए और ये पहला ओवर काफी अच्छा गया लखनऊ वॉरियर्स का, देखते हैं ये आरजे पुरम कैसे इस ओवर को सॉरी कैसे इस विशाल लक्ष्य को बीट कर पाते हैं। और ये दूसरी टीम जो हमारी है न्यू हैदराबाद लायंस, इनकी कचिंग प्रैक्टिस होती है, इसके बाद इन्हीं का मैच है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उमदा उमदा। और ये ब्रेक प्लेयर जो है काफी थक चुके हैं तो सुस्ताते हुए ये जो लखनऊ वॉरियर्स हैं ये इनके स्टार बॉलर हैं क्योंकि एक भी विकेट नहीं निकल पाए तो अब ये उनको जिम्मेदारी गई है। बहुत सही, काफी बढ़िया बॉल, जितनी बॉल बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलदीप जी अपनी बैटिंग में तो कुछ नहीं कर पाए, हो सकता है बॉलिंग में कुछ कर जाए, कुछ कमाल करते हैं या नहीं, क्योंकि ये अक्सर मैच खेलते रहते हैं, ये हमारी भी पोस्टर से भी खेलते हैं। बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन, बहुत बढ़िया शानदार शॉट और बॉल जो है मिसफील हुई। बहुत धीरे धीरे पुरमों के पहाड़ को बीट करते हुए आरजे पुरम टीम काफी बढ़िया खेल रही है और ये दबाव जी पर और लगता है कि लखनऊ वॉरियर जो है हार जाएगी। जो फील्डिंग टीम है बैटिंग टीम की काफी बढ़िया खेल रही है, एक विकेट नहीं गिरा इनका, बहुत बढ़िया। और ये बैटिंग में कुछ चेंजेस हुए, ये विलेन जी खेलने आए हैं, बहुत बढ़िया बॉल, बैट्समैन भी होते हुए बातचीत करते हुए आई थिंक अपील की है आउट की, आउट की अपील की है इनके स्टार बल्लेबाज विजय जी रन आउट होते हुए। आरजे पुरम का कुछ कंफ्यूजन हुआ दोनों बल्लेबाजों में, अब आरजे पुरम को 3 ओवर में 29 रन चाहिए, मैच पलटता हुआ, वो फिर आए हैं ना, 3 ओवर में 29 रन, ये डिवीजन के ही अपने मैच फंस गया। आप काफी बढ़िया और बढ़िया निकला इनका, ये
काफी शानदार दौड़ी नहीं था रन लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं आरजेपुरम क्योंकि इनकी बॉलिंग काफी अभी इनका दूसरा ओवर है ना हाँ तो इसके बाद एक और रहेगा इनका ओवर मैच फंसा दिया हाँ मैच फंसा दिया है इन्होंने बहुत बढ़िया विजय जी का आउट होना काफी दिक्कत हुई और अमित जी जो है थोड़ा सा संघर्ष करते हुए वैसे शानदार प्लेयर हैं बॉल अभी ये बॉल है पर बॉल जो है बैट पे नहीं आ रही है देखते हैं क्या कुछ कमाल कर पाते हैं नहीं छूट गई बीट हुए सिंगल रन लेंगे अमित जी है बॉल के साथ दौड़ते हुए थ्रो थ्रो बाय रन रिस्क नहीं लेते हुए काफी अच्छा चौका निकाला था इन्होंने अरे फाइनल बॉल बहुत बढ़िया शॉट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया फील्डिंग आदिप जी द्वारा काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए और आदिपुरम को 12 बॉल पे 20 रन चाहिए ये निर्णायक ओवर हो सकता है कुलदीप का देखते हैं क्या निकलता है बहुत सही बहुत बढ़िया बच गए बहुत सही अरे गजब ले लो यार चार 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 हो सकता है चार चार द्वारा काफी बढ़िया खेल प्रदर्शन करते हुए दो रन की डिमांड यहाँ पे नहीं हुआ अब इनको 7 बॉल में चाहिए 11 रन देखते हैं कौन जीतता है निर्णायक ओवर लास्ट ओवर देखते हैं कौन जीतता है इसमें आरजेपुरम को चाहिए 11 रन बहुत सही आउट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार प्रदर्शन 5 पे 11 5 पे 11 चाहिए देखते हैं आउट नहीं 5 पे 11 चाहिए आरजेपुरम को और काफी शानदार बहुत सही ये सिंगल सिंगल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिसफील्ड होते हुए मिसफील्ड अमित द्वारा कोई नहीं 4 पे चाहिए इनको 9 रन कोई सकता है कोई सकता है क्या होता है बहुत सही बहुत बढ़िया गेम बहुत बढ़िया बहुत सही 3 पे 9 तीन पर रन रन चाहिए कितना ऐतिहासिक मैच हो चला मेरे रंग के खड़े हो रहे हैं वाह 3 पर 9 रन चाहिए देखे क्या ये बॉल अगर बीट तो समझ लीजिए मैच लखनऊ वॉरियर्स के अंदर बहुत सही बहुत बढ़िया और हाँ है बहुत सही 2 पे चाहिए इनको 7 रन 2 पे 8 चाहिए प्रेशर में बैट्समैन बहुत बढ़िया सिंगल रन 1 रन मिलेगा बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत बढ़िया एक बहुत खूबसूरत मैच और उसी के साथ लखनऊ वॉरियर जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1 पे चाहिए इनको क्योंकि एक समय पे 7 ओवर में इनको केवल 57 रन थे और 30 बॉल पे चाहिए थे इनको 30 रन और उसी के साथ लेकिन इनका जो रिदम जो है बिगड़ा इनके जो 2 ओपनर बैट्समैन थे काफी बढ़िया कर रहे थे और ये देखिए आखिरी बॉल
देखते हैं क्या होता है। 8 रन चाहिए वैसे। वाह सर जीत गए, ये लखनऊ वॉरियर जीत गया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आरजे पुरम जो है हारता हुआ मैच अपना पहला, और लखनऊ वॉरियर्स ने जो है पहली जीत दर्ज की।